यो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू अनदर लुक। तो गाइस कैसे हो, सभी लिस्टेड सेक्शन में बता दोगे। तो गाइस हम सुबह सुबह उठ चुके हैं, बहुत प्यारा मौसम हो चुका है, बारिश का मौसम लग रहा है, ठीक है। मुझे तो कल पता है, अभी तक कल तो बहुत गर्मी थी, क्या बताओ यार, ब्लॉग बनाने के लायक नहीं था, ठीक है, कसम से। कल शाम को हवा सही अच्छी लग रही थी, मगर पहले तो बहुत गंदी, बहुत गर्मी थी, क्या बताऊँ, बता नहीं सकता इतनी गर्मी थी, ठीक है। तो आज तो अच्छा मौसम लग रहा है, कल देखा भी था कि आज बारिश होगी, ठीक है, तो देखते हैं बारिश होगी कि नहीं। मगर आज तो हमें, हमारा कहीं जाने का फिक्स प्लान तो नहीं है, देखते हैं, कहीं पे जाएंगे तो ज़रूर आपको दिखाने के लिए, तो मिलते हैं वहीं पे जाके, बीच में भी आपको दिखाएंगे क्या व्यू है, ठीक है, तो मिलते हैं वहाँ पे। बाइक पे व्यू भी दिखाया था, अभी अभी पहुंच चुके हैं ज़मीनों पे, ठीक है, जो पहले दिन ज़मीन पे आए थे उसी पे आए हैं, ठीक है। आज दोस्त के साथ आया था, वो बाइक लेकर चला गया किसी और ज़मीन पे, ठीक है, उसका काम था, तो हम जा रहे हैं दूसरी ज़मीन पे, आपको भी दिखाते हैं व्यू कैसी है, कितनी प्यारा व्यू आ रहा है, सुबह सुबह का मौसम है, आप देखोगे ना आप रिलैक्स हो जाओगे। ये भी आ गया है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, रिलैक्सेशन है, कितनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं एनिमल्स की। तो गाइस जमीन से भी आगे वापस जा रहे हैं घर, ठीक है, तो आपको व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, आज बारिश का मौसम भी है ना इस वजह से। तो गाइस दोबारा आ चुके हैं दूसरी ज़मीनों पे, यहाँ पे भी सोलर प्लेट्स वाली ज़मीन पे आए हुए हैं, ठीक है, सोलर प्लेट्स यहाँ पे भी लगी हुई हैं, देख ही सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्यूबवेल भी है जिस पे हम यहाँ पे नहाते रहते हैं, मगर आज तो नहीं नहा सकते, बताए क्या है, आज हैं क्लाउड्स हैं सारी, सूरज के ऊपर भी क्लाउड्स हैं, इस वजह से सूरज भी नहीं आ रही, ठीक है। तो गाइस दूसरी ज़मीन पे आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पिछले बार भी हम सोलर प्लेट्स पे गए थे, ठीक है, और यहाँ पे भी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, हमारी आप देख ही सकते हैं पीछे से व्यू, और यहाँ पे ट्यूबवेल भी है, ये जो मेरा दोस्त खड़ा हुआ है पीछे, ये ट्यूबवेल है, ठीक है, वहाँ पे पता नहीं कहाँ पे है सही, यहाँ पे नहाते रहते हैं मगर आज नहीं नहा सकते इस वजह से कि वो सूरज भी नहीं है, क्लाउड्स हैं सारे आसमान पर, ठीक है, सूरज भी नहीं निकलेगा शायद, बारिश का मौसम है, तो आज शायद ना नहाए, घर पे नहाएंगे यार, क्या है, क्या रखा है यहाँ पे, तो घर पे नहाएंगे सुकून से यार, तो चलो चलते हैं घर पे, वहाँ पे चल के बैठ के बात करते हैं, ठीक है, तो चलो चलते हैं मूव, वापस जा रहे हैं, ठीक है, बाइक पे बैठे हुए हैं, उधर से आने वाले हैं, ठीक है, आपको भी देते हैं, ठीक है, तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे कैसे रास्ते हैं हमारे गांव में, तो चलो आपको दिखाते हैं अल बस। तो गाइस यहाँ पे हम जा रहे हैं घर पे, ठीक है, पास में ये नहर है जो बह रही है, ठीक है, ये पूरा साल बहती रहती है, ठीक है, अभी गर्मी का मौसम है, फुल हुई पड़ी है, ठीक है, अभी सर्दी आएंगी ना ये ख़त्म हो जाती है। और तो
गाइस यहाँ पे वैसे वैसे हमारे गांव में जो है ना वो यहाँ पे नहाने आती हैं नहरों में, नहरों में हमारी ये नहर है ना इसमें नहाने आती हैं सारी जो हमारी भैंसें हैं गांव में। ठीक है तो हम आपको यहाँ पे साइड में व्यू देते हैं। से भी वापस आ गए थे, ठीक है बहुत थक गए थे, इस मूड नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का, खाना वाना खा के अभी बैठ चुका हूँ, ठीक है दिल तो नहीं कर रहा, अभी ज़मीन पे जाने वाले हैं काम में, थोड़ा कोई वो केले के व्यापारी आए हैं उनसे बात बात करनी है, ठीक है उनसे बात बात करके केला बेचना है, ठीक है उससे बात बात भी करनी है, देखता हूँ कोई सीन बनता है तो आप ब्लॉग भी बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कैसे कैसे केला बढ़ता है, कैसे बेचते हैं वो, किस चीज़ से यहाँ से लेकर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है बेचते हैं, सारी डिटेल दूंगा या गया तो बताऊँगा सब कुछ, वरना तो बहुत थक गया हूँ सो जाऊँगा। तो भाई आपको मैंने ट्रक भी दिखा दी थी वो अभी जा रही है, ठीक है ये हमने केला भी भर दिया, ठीक है बाद बाद हो गई है, ठीक है ट्रक भरती है वो तो चली गई, अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा केला, पूरी डिटेल लेता हूँ यार रुको तो थोड़ी देर सब्र करो यार थक गए यार। वैसे हम ज़मीनों पे आ गए हैं, ठीक है ट्रक वर्क को भी बेच दिया चली गई है, बातचीत हो गई है उससे भी आए, और ट्रक भी कैसे भरते हैं लोग खड़े होते हैं नीचे, एक दो तीन ऊपर खड़े होते हैं नीचे वाले, ऊपर वालों को देते हैं, ठीक है वो ऊपर वाले पर फिर से यहाँ अच्छे से लगाते हुए जाते हैं बस। और यहाँ पास में मेरी केला है, ठीक है उसके बाहर हमने वैसे आम के पेड़ लगा रखे हैं, ठीक है और तो कुछ भी नहीं है, दिखाता हूँ पहले छोटे होते दिखाता हूँ पूरा डिटेल। गाइस ये केले होते हैं ना पहले छोटे होते हैं ऐसे होते हैं, इनकी देखो ये कितने छोटे पतले पतले हैं इतने इतने, ठीक है ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना थोड़े मोटे हो जाएंगे तब इनको हम ना ट्रक में फिट कर देंगे, जब ये ट्रक ना बहुत दूर जाते हैं पंजाब जाते हैं कराची जाते हैं, ठीक है जब तक ये वहाँ तक पहुँचते हैं ना ये मतलब कि पक जाते हैं, ठीक है आपके खाने के लायक हो जाते हैं इस वजह से। और इनके बाहर हमने आम के पेड़ लगा रखे हैं सारी ज़मीन में, ठीक है ये सारी ज़मीन में लगे हुए हैं, ठीक है ये पूरी आम की ज़मीन है वो केले की ज़मीन है, ठीक है आपको बता भी दिया मैंने। तो गाइस फिर चलते हैं हम, फिर बहुत गर्मी लग रही है तो घर चलते हैं, ठीक है वापस चलते हैं, बहुत कॉटन की ज़मीन जिसे हमारा कपड़े वपड़े बंधे कॉटन, ठीक है उसकी ज़मीन है उसमें भी केले लगे हुए हैं बीच बीच में। से वापस आ चुके हैं, बहुत प्यारी नींद आ रही है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं सुनती मैं पहले सोऊंगा, ठीक है सोने के बाद जब भी उठूंगा तभी आप सुन लूँगा, तो बाय बाय। अभी तभी ज़मीन से आके सो गए थे अभी उठा हूँ, ठीक है आधा घंटा हुआ है खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ के खाना वाना खा के अभी भी बैठा हूँ, ठीक है अभी जाने वाला मैं दोस्तों के पास, दोस्तों से आऊँगा फिर आपसे मुलाकात होगी, वहाँ पर तो नहीं बना आपको दिखा सकता हूँ मगर वो मना करते हैं कि नहीं दिखा ऐसे ऐसे, वो बातें भी ऐसी करती हैं ना आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है तो चलो वहाँ पे जाके मिलते हैं या वापसी में मिलेंगे कभी मिल सकते हैं, ठीक है
तो उनके पास चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय। हम दोस्तों वापस आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ देख लो हमने स्कूल है हमारे स्कूल गांव में, ठीक है। वही आपको दिखा देता हूँ क्या है, कितनी क्लासेस हैं, बच्चे कितने होते हैं, ठीक है। पूरा बता दूँ मैं यहीं पर, आज छुट्टी है शायद, हाँ 2-3 दिन हो चुके हैं छुट्टी है इनकी, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। सफाई वफाई तो होती है मगर अभी तो छुट्टियाँ हैं, इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे। दिखाता हूँ मैं आपको भी, ठीक है। तो भाई ये तो एरिया है जहाँ पे बच्चे बच्चे खेलते हैं, मगर अभी बारिश हुई है, इस वजह से पूरा गीला हुआ पड़ा है, बच्चे भी नहीं आ रहे। छुट्टियाँ, पानी खड़ा हो गया था अभी अभी, कल से सही हो गया है, ठीक है। यहाँ पे तो पूरी गंदगी मची हुई है, ठीक है। 3 क्लासेस हैं यहाँ पे, ये क्लास तो पूरी ख़राब है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं होता अभी। 3 क्लासेस हैं जिनमें से 2 क्लासेस में सिर्फ वो पढ़ाई की जाती है जो 1 से 5 तक बच्चों में, नर्सरी KG 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 5 तक प्राइमरी है बस स्कूल, ये क्लास है और ये दूसरी क्लास है। टीचर एक ही होता है, दोनों क्लासों में पढ़ाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक यहाँ पे भी क्लास है जिसमें स्टडी नहीं होती, कुरान की पढ़ाई होती है, ठीक है। कुरान की पढ़ाई होती है उसमें अंदर, ठीक है। बाहर भी होती है कभी कभार, गर्मी में बाहर भी होती है, अंदर भी होती है, ठीक है। ये तो कुरान की पढ़ाई के लिए बच्चों के, ये भी साफ़ नहीं है, छुट्टियाँ हैं इस वजह से पूरा गंद मचा हुआ है, ठीक है। 2-3 दिन के बाद बच्चे आ जाएंगे तो ये पूरा स्कूल साफ हुआ पड़ा होता है, प्यारा लग रहा होता है इतना। लोग यहीं पर एंड करते हैं, आपको स्कूल भी दिखा दिया जो हमारे गाँव में गवर्नमेंट स्कूल, वो भी दिखा दिया आपको, ठीक है। इतना प्यारा तो नहीं है मगर सही है, बच्चे बच्चे पढ़ लेते हैं, 5 ही तक क्लास है, प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। तो आज वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज वाले व्लॉग में इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी और जगह और किसी और टॉपिक से। बाय बाय।